नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताऊंगा 960 RPM में थ्री फेस मोटर के डबल डेल्टा या डबल पैरलर कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, 6 पोल की मोटर है, 6 पोल के कनेक्शन में आपको बताऊंगा, और 960 RPM है मोटर के, और थ्री फेस की मोटर होती है, ठीक है। तो डबल डेल्टा जिसको बोलते हैं, डबल पैरलर जिसको बोलते हैं, वो कनेक्शन में करके दिखाऊंगा। ये जो मोटर होती है 10 HP से लेकर 50 HP तक की मोटरों के बीच में ये कनेक्शन किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मोटर के अंदर दोस्तों, यहाँ पे मैं आज जो कनेक्शन बता रहा हूँ 18 कॉयलों के बता रहा हूँ, ठीक है, 6 पोल में। तो 18 कॉयलें मैंने बनाई हैं लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं बड़ी कॉयल बनाने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे 18 कॉयल बनाने की पेज में जगह नहीं होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी छोटे छोटे मार्क बना दिए हैं, एम का मार्क बनाया है, ठीक है। एम के मार्क का मतलब ये है कि एक कॉयल है, और कॉइल का जो लेफ्ट साइड का जो आप ये देख रहे हैं, एम का जो ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो है लेफ्ट साइड का जो ये जो टांग है एम की, ये जो है वो इनर पॉइंट है, और इधर का जो है वो आउटर पॉइंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, इधर का लेफ्ट का इनर, राइट का आउटर पॉइंट होता है। तो इसका हम आज पैरलर कनेक्शन, डबल पैरलर कनेक्शन बताएंगे, और जिसको डबल डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो पहले सेट से ही हम शुरू, पहले कॉइल से ही हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, कॉइल से हम सेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, ये तीन चीजें होती है। तो फेस वन बनाएंगे, फेस वन को A1 बोलते हैं, ठीक है, A1 बोलते हैं। फेस टू को B बोलते हैं, B1, और फेस थ्री को C1 बोलते हैं। तो पहले हम बनाएंगे फेस वन, यानी कि A1 हम बनाएंगे। तो पहला सेट हमको पकड़ना है, सॉरी सेट बोल दिया मैंने, पहला कॉइल हमको पकड़ना है यहाँ पे, और ये पहला जो कॉइल है ये वाला, इसका पहला तार, इनर तार पकड़ना है, और एक पॉइंट बना देना है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम A1 पॉइंट। अब कनेक्शन, अब देखिए इसका जो दूसरा तार है इस कॉइल का, पहले वाले का, ये दो छोड़ के 1 से 4 में कनेक्शन देना है, यानी कि बीच में 2 सेट्स की करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर तार है, तो 2 छोड़ के अगले के आउटर में ही ये जुड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ इनर में नहीं जोड़ देना, आउटर है तो आउटर में जुड़ेगा, अगर इनर पकड़ा है तो इनर में जुड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 1 से 4 कनेक्शन ये बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले सेट से चौथे सेट में कनेक्शन दिया है, 1 से 4 में, 2 स्किप कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये चौथा वाला जो कॉइल है, इसको हम, इसका जो इनर तार उसको पकड़ते हैं, और इसको पकड़ने के बाद हम फिर से 2 स्किप करते हैं। तो इनर पकड़ा था तो 2 स्किप करके अगले वाले के इनर में आपको ये जोड़ देना है, ठीक है। अब जो ये दूसरा ये तार निकलेगा, ये आउटर तार जो है, इसको बोलेंगे हम A2, ये A2 तार बन जाता है। तो यहां पर हम डबल डेल्टा, डबल पैरलर कर रहे हैं, तो यहां पे हमको डबल डबल चाहिए होंगे, A1 भी डबल चाहिएगा, A2 भी डबल चाहिएगा, ठीक है। तो हम A1 दोबारा से बनाएंगे अब फिर से, तो फिर अब दोस्तों यहां पे हमने A1 A2 बनाए हैं, तो यहां पे हमारे अभी सिंगल कनेक्शन है, तो इसको डबल करने के लिए एक बार हम इसको A1 A2 और बनाएंगे। तो फिर से हम 2 सेट स्किप करेंगे, 2 सेट स्किप करने के बाद हम इस 2 कॉइल स्किप करने के बाद हम अगली पकड़ेंगे, ठीक है, और इसको नाम देंगे हम फिर से A1,
और इसका जो पॉइंट है जैसे हमने पहले कनेक्शन किया था, दो छोड़ के आउटर आउटर में जोड़ देना है, और फिर इसका जो इनर है वो दो छोड़ के फिर आपको इनर में जोड़ देना है, फिर एक आउटर तार निकलता है, इसको पॉइंट बोलते हैं A2। ठीक है A2। अब दोस्तों हमने A1 A2 A1 A2 ऐसे बना लिए हैं। अब आपको करना क्या है, जो A1 A1 है उनको आपस में जोड़ देना है। A1 एक तो ये वाला है ना, ऐसे ले जाके यहां पे, और A2 को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अब जो हमारे चार पॉइंट थे, दो A1 थे, दो A2 थे, अब ये दो ही पॉइंट बचे हैं। तो पहले पॉइंट को ये A2 का जो A1 है, ये एक A1 बन गया, A2 है ये एक बन गया। अब इस पॉइंट को हमें A1 बोलना है, दूसरे वाले को A2 बोलना है, तब ये दो ही पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब हम बनाते हैं दोस्तों B1 B2। अब हम बनाते हैं B1 बना लेते हैं। ठीक है, B1 B2 बना लेते हैं। तो ये वाला सेट है, इसको पकड़ लीजिए, इसके बाद अगला है तो अगले को पकड़ना है। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है उसको एक पॉइंट का नाम दे देना है B1 का। ठीक है, B1 का दे देना है, और आउटर पॉइंट पकड़ के फिर दो स्किप करने, 1 2, और अगले आउटर से आउटर जोड़ देना है ऐसे। फिर इसका ये इनर वाला पकड़ना है और दो स्किप करने, 1 2, और इनर में जोड़ देना है। अब जो इसका अगला पॉइंट ये बचता है, ये B2 हो जाता है B2। अब ऐसे ही करके हमने ये सिंगल बना है, एक बार और बनाना है। तो यहाँ से फिर दो स्किप करते हैं, दो कॉइल स्किप, और जो पहला पॉइंट है इसको B1 बोलिए, और जो आउटर पॉइंट है इसको दो छोड़कर दो स्किप करके 1 से 4 में जोड़ दीजिए। ठीक है, दो सेट दो कॉइल स्किप करने इस तरह से आउटर में, फिर इसको पकड़िए इनर वाले को पॉइंट को, और इनर में आपको जोड़ देना है, आउटर बचेगा, ये आपका फिर B2 होगा। अब जैसे अब दो B1 है, दो B2 है, तो इनको आपस में जोड़ के सिंगल कर लीजिए। पहले हम B1 को जोड़ देते हैं, ये हमने B1 को जोड़ दिया है। अभी एक पॉइंट है B1 का, एक पॉइंट है, इसको B1 ही बोला जाएगा खाली। ठीक है, और B2 है, इनको भी आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं C1 की तरफ। तो इस वाले को पकड़ लीजिए,
और जो इसका पहला तार है उसको आपको सी वन के नाम से, ठीक है, सी वन नाम देना है। फिर दो स्कीप करने हैं, आउटर तार आउटर के साथ जोड़ देना है। फिर इसका इनर तार जो है इस सेट का दो स्कीप करके इनर के साथ। अब दूसरा पॉइंट बचता है सी टू, उसके बाद फिर से बनाना है हमको दो सेट स्कीप करके सी वन, फिर ये आउटर तार जो है आउटर से इनर, इनर से, और ये आउटर तार बचता है टू, ठीक है, सी टू। सी वन को आपस में जोड़ देना है, इस तरह से, और सीट टू जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास तीन पॉइंट बने हैं। ए वन को जो ए वन है, जो यहां पे हमने सबसे स्टार्टिंग की थी दोस्तों, यहां से ये वाला जो पॉइंट था जब हमने स्टार्ट किया था, ए वन को आपस में मिलाया था, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका हो गया है A1 से बना हुआ A1, ठीक है। दूसरा आपका हो गया है A2, अगला है आपका B1, B2, फिर आपका है C1, C2, अब इनका आप कनेक्शन ये मोटर के बाहर, ये 6 के 6 तार जो है मोटर के पिनों में लग जाएंगे बाहर। फिर उसका आप चाहे कैसे भी कनेक्शन करके चलाएं, चाहे स्टार में चलाएं, डेल्टा में चलाएं, आपकी मर्जी है। अगर आपको एक कनेक्शन करने नहीं आते हैं तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट मैं बना दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, ये पैरेलल कनेक्शन है 6 पोल में 960 आरपीएम में 18 क्वाइल में और 3 फेस मोटर्स में, ठीक है, डबल डेल्टा इसको बोल सकते हो। 10 HP से लेकर 50 HP तक की मोटर में ये कनेक्शन किए जाते हैं।
अब इन पिन को आप स्टार डेल्टा बना सकते हो, मैंने कई सारी वीडियो भी डाल रखी हैं, लेकिन ए टू ए बी वन बी टू सी, ठीक है, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, इनकी भी एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।